आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप आय प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, यानी इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी सरकारी ऑफिस की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा ही आप आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करें, कैसे बना सकते हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं कोई भी किस्म की वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। अगर आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, कोई भी स्टेट का अगर आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र लिख देना है और जो भी स्टेट का आप बनाना चाहते हैं वो स्टेट का लास्ट में आप नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, आपको पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ बिहार का बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ बिहार का जानेंगे, यहाँ पे आपको पहला वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा कि इसी से आप आई प्रमाण पत्र एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने ऑफिशियल वेबसाइट में आगे जो बिहार सरकार की है, यहाँ से आप दो तरीके से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं दोस्तों। एक तो आप लॉगिन करके बना सकते हैं, दूसरा आप विदाउट लॉगिन का भी बना सकते हैं। लॉगिन करने में थोड़ा आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए लॉगिन के लिए आगे बढ़े हैं, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लॉगिन करना पड़ेगा, जो अकाउंट एक आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और आप विदाउट लॉगिन का भी आप आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लॉगिन में थोड़ा आपका लंबा प्रोसेस है, तो हम चलिए विदाउट लॉगिन का हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे विदाउट लॉगिन का अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लोक सेवाओं का अधिकार का सेवा, ठीक है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तीन नंबर में, आय प्रमाण पत्र निर्गमन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से तीन तरीके से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। चलिए हम यहाँ पे अंचल स्तर में हम आय प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो आय प्रमाण पत्र अंचल स्तर पर बनाने के लिए आपको यहाँ पे अंचल स्तर में क्लिक करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये फॉर्म खुल चुका है दोस्तों, फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे आप सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको यहाँ पे ये फॉर्म सभी आपको फिल कर लेना है, सभी चीज़ आप जो भी चीज़ मांगा यहाँ पे, जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं आपको यहाँ पे सभी डिटेल आपको यहाँ पे दे देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिंक आपको, जेंडर आपका कौन सा है, मेल फीमेल आप है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम दे देना है, यहाँ आप इंग्लिश में नाम देंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपको देख लेना, अगर इंग्लिश में नाम अगर सही है, हिंदी में नाम अगर कुछ गलत आ रहा है तो आप हिंदी का भी करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हिंदी में अगर कुछ गलत है तो हिंदी में भी आप उसे करेक्शन कर लेना है। करेक्शन करने के बाद आप जैसे कि नेम दे देंगे, उसके बाद फादर नेम दे देना है, उसके बाद आपका माता का नाम दे देना है, हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड नेम दे सकते हैं या ऑप्शनल है। आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर देना है, क्योंकि आगे का अगर आपको डाउनलोड करना है तो मोबाइल नंबर से ही डाउनलोड होगा। और आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी दे देना है, क्योंकि ईमेल आईडी देने से क्या होगा, जब आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आपके मेल आईडी में भेज दिया जाता है और वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लॉगिन यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर दें, ये आपको देना ही चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पता दे देना है, कौन सी स्टेट आपका स्टेट जो कि बिहार है, उसके बाद आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपका अनुमंडल कौन सा है, वो अनुमंडल आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है, कौन सी ब्लॉक से आप आते हैं, वो ब्लॉक आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, किस में आते हैं वो आपको यहाँ पे स्थानीय निकाय प्रकार आपको यहाँ पे चुन लेना है। वार्ड नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है, वार्ड नंबर। उसके बाद ग्राम पंचायत आपका कौन से ग्राम पंचायत है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्राम दे देना है, यानी आपका विलेज टाउन कौन सा है। उसके बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस दे देना है, थाना आपका कौन सा पड़ता है वो थाना आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे थाना जो भी आपका थाना पड़ता है वो थाना आपको यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है। यहाँ आपको क्या करना है, आधार संख्या में आधार नंबर नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का एक आपको फोटो चूज कर लेना, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो डाउनलोड कर रखना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा, यानी खींच के रखना पड़ेगा, वो फोटो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे फोटो चूज करने के लिए आपको यहाँ पे अपने गैलरी से फोटो एक ले लेना है। फोटो लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशन में आपका क्या प्रोफेशन है, स्टूडेंट है, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है, जो भी आप हैं यहाँ पे आपको आप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, सरकारी सेवा है, निजी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसान हैं आप, हाउस वाइफ हैं या ऑदर है, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप एक यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निजी सेवा कर लेते हैं, प्राइवेट सर्विस कर
कर लेते हैं। उसका आपका आवेदन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन दे देना है, आप क्यों आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद सरकारी सेवा की आय कितना, सरकारी सेवा से अगर कुछ आय आता है यानी कुछ पैसे आते हैं सरकार की तरफ से आपका, तो यहाँ पे दे देना है। कृषि से आय आता है यानी कृषि आप खेती करके कुछ पैसे कमाते हैं, अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बिजनेस में आपका अगर बिजनेस में कोई पैसे आता है वो पैसे आप दे सकते हैं। अन्य स्रोत से आय जो भी आपका आय आता है वो ये आपको आय देना है, यहाँ पे आय देना है यानी एक साल में आप कितना पैसे कमाते हैं कौन सी स्रोत से, कृषि से, व्यवसाय से, सरकारी सेवा से, बिजनेस से, जो भी से आप यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ अन्य स्रोत से आय कमा कर लेते हैं, हम एक एक यहाँ पे कोई सिंपल सा 60,000 रुपये कर देते हैं, जो कि यहाँ पे एक साल 60,000 रुपये कर दे, आपको यहाँ पे एक साल का टोटल आय देना है एक साल में आप कितना पैसे कमा रहे हैं। उसके आपको यहाँ पे घोषणा पत्र है कि यहाँ पे जो कि माता पिता ग्राम पंचायत है, कृषि से आय जो भी आपका आया है टोटल आपको यहाँ पे कुल आय वार्षिक में आपको दिखाई देगा कि कितना आपने एक साल में आय कमाते हैं, जो भी टोटल है आपको यहाँ पे सभी नीचे दिखाई देने लगेगा। उसको आई एग्री पे क्लिक, सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर इसलिए नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि आधार नंबर देने से आपको UIDAI की वेबसाइट से वेरीफाई करना पड़ेगा और OTP द्वारा वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको आधार नंबर देने यहाँ नहीं देने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में खुद से टाइपिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऑटोमेटिक ही हिंदी में आ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो खुद से भी टाइपिंग करते हैं। सभी डिटेल फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर देना और यहाँ पे आपको हमारा फॉर्म हमारा भर चुका है फाइनली आप यहाँ से कोई भी चेक कर सकते हैं, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप यहाँ से अभी भी एडिट कर सकते हैं, अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। आपको एक बार ध्यान से चेक कर लेना, अगर सही है तो आपको यहाँ पे अटैच एनेक्सर में आपको क्लिक करना है। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, दस्तावेज में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे एक अपलोड करना पड़ेगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक आधार कार्ड अपलोड करते हैं, आधार कार्ड अपलोड करने के चॉइस फाइल में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एनेक्सर में आपको क्लिक करना है और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फाइनली हमारा ये एप्लीकेशन हम अप्लाई कर चुके हैं आय प्रमाण पत्र। आप देख सकते हैं यहाँ आपको किस डेट को आपको मिलेगा ये आय, आपको यहाँ पे उसका डेट भी दिख जाएगा। देखिए हमें 26/4/2023 को हमें ये मेल मिल जाएगा, हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे मेल में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं और हम आगे जानेंगे कि आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड कैसे करें। जैसे इसमें इसको अगर सेव करके रखना है तो एक्सपोर्ट PDF में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसे सेव कर सकते हैं, और PDF में आप यहाँ से सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आय प्रमाण पत्र को अप्लाई कर सकते हैं।